प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय कृषि विद्यालय चरगावां ब्लॉक में मिशन किसान कल्याण के अंतर्गत कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग के FPO शक्ति पोर्टल की लॉन्चिंग की तथा 10 कृषकों को मिनी किट एवं प्रमाण पत्रों का वितरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य अतिथियों ने कृषि विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चरगावां ब्लॉक में किसानों के लिए 20 करोड़ की लागत से बनने वाले एक छात्रावास एवं राजकीय कृषि विद्यालय के नवीन प्रशासनिक भवन का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार के 4 साल पूरा होने पर जनता को बधाई दी और कहा कि आज प्रदेश के अधिकांश विकास खंडों में किसानों के कल्याण के लिए चल रही सरकार की योजनाओं को लेकर कृषि विभाग ने वृहद कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसके लिए कृषि विभाग को धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। किसान अगर खुशहाल होगा तो गांव खुशहाल होगा, गांव खुशहाल होगा तो गांव की खुशहाली का मार्ग देश के विकास के लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। आज़ादी के बाद पहली बार किसान देश की राजनीति के एजेंडे का हिस्सा बने हैं। गांव के विकास के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए सरकार की नीतियां बननी प्रारंभ हुई। आज उसी का परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में कुछ नया देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार ने अन्नदाता के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू की हैं। उन्होंने कहा कि किसी किसान के उत्पाद पर मंडी शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन मंडी अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा किसान कल्याण के लिए सीधे खर्च करता है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वह पैसा किसान कल्याण के लिए ही खर्च होता है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून में मंडियां बंद नहीं होंगी, बल्कि मंडियां एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए खड़ी हो रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,42,00,000 किसानों को लगभग 27,000 करोड़ रुपये उनके खातों में भेजा गया। उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए लागत को कम करना होगा। इसके लिए प्रदेश से के जिले में 1 अथवा 2 कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं, जो किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं एवं तकनीक का लाभ प्रदान करने में सहयोग कर रहे हैं। किसानों का लागत कम करके उनकी आय को बढ़ाना होगा। अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों को होली की अग्रिम बधाई दी। अपने संबोधन में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, किसानों की बदहाली को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, विधायक कैंपियरगंज फतेह बहादुर सिंह, सहजनवा विधायक शीतल पांडे, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, बांसगांव विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान, विधायक महेंद्र पाल सिंह, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी KVN पांडियन सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सम्मान मिलता तो ये जो परसेप्शन, ये जो बर्ताव गोरखपुर वासियों के लिए जो आया है, यहाँ के सशक्त नेतृत्व, उद्यम साहस से चलाने वाला मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से, साथ ही साथ माननीय कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में परमपिता परमेश्वर के समक्ष उर्वगामी लौ यह परिलक्षित करती है कि आप सभी के सानिध्य में यह साथियों, साथ उत्तर प्रदेश महाराज जी जब मुख्यमंत्री बने तो राज्य के रूप में जाना जाता था। मैं महाराज जी को अपनी तरफ से महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। विकास के उस प्रतिमान को स्थापित कर रहा है और महाराज जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष में कोरोना काल में कितनी बड़ी त्रासदी के रूप में हम लोगों के सामने आगे 4 साल पूरे हो गए हैं। और इस अवसर पर मैं गोरखपुर धरती के ही कर्मयोगी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जो कि ये भी मेरा भी गृहमंडल ही है, मैं अपने गृहमंडल में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी माताओं, बहनों और किसान भाइयों की ओर से भी उनका स्वागत करता हूं और आप सबका भी स्वागत इस बात के लिए करता हूं, यदि आपका आशीर्वाद इतनी बड़ी ताकत के रूप में न मिला होता
तो आज ये उत्तर प्रदेश को सौभाग्य नहीं मिलता कि देश के भीतर विकसित राज्यों की श्रेणी में जिस तीव्र गति से उत्तर प्रदेश आगे की ओर बढ़ा है और आम आदमी के जीवन में खुशहाली लाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने जिन्होंने अपनी 24 घंटे भी काम करने की जरूरत पड़ी है तो किया है, ऐसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को फिर से मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। का एक नंबर पर खाद्यान्न पैदा करने वाला राज्य है, 604 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अकेले उत्तर प्रदेश पैदा कर रहा है। देश के पैदावार का 22% पैदावार अकेले उत्तर प्रदेश हो रही है। आज मिशन कृषि कल्याण योजना के अंतर्गत FPO शक्ति पोर्टल की लॉन्चिंग उत्तर प्रदेश के FPO शक्ति उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पहल जो पूर्णतः FPO को समर्पित देश का पहला पोर्टल है। ये FPO के गठन वैधानिक जिम्मेदारी तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ उन्हें विभिन्न इनपुट एवं सर्विस प्रोवाइडर कृषि उत्पाद व्यापारियों तथा सरकार के कृषि और कृषि मंत्री महोदय समस्त सम्मानित सांसदगण एवं जनप्रतिनिधिगण से उत्तर प्रदेश की इस गुरु गोरखनाथ की पावन धरा पर राजकीय कृषि विद्यालय चरगांव में आयोजित मिशन कृषि कल्याण योजना के अंतर्गत कृषि विकास पुस्तिका का विमोचन उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होता हुआ कंठ ध्वनि के साथ जनमानस से अनुरोध है कि क्षण को अभी दूर करें कि आज उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा सुरेश यादव सन ऑफ श्री गंगा यादव तरकशा श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह सन ऑफ श्री पारस सिंह उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अनुदान राशि के पत्र को प्राप्त करते हुए राधे कृष्ण बायो एनर्जी खजनी से उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलते हुए श्री मनोज कुमार सिंह जी तत्पश्चात राधे कृष्ण बायो एनर्जी प्रकाश सिंह जी बीच मिनिकेट उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सब्जी बीज मिनिकेट का पैकेट माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कर कमलों से प्राप्त करते हुए मंडी परिषद के श्री रामकिशन सिंह पुरस्कार योजना के अंतर्गत पावर स्प्रेयर को बंजा सिंह आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से पावर स्प्रेयर श्री शिवदयाल दुबे पुरस्कार योजना के अंतर्गत श्रीमती गुड्डी सरस्वती स्वयं सहायता उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वाहन अनुदान की चाबी को प्राप्त करते हुए श्रीमती मंजू दुर्गा स्वयं सहायता समूह से वाहन अनुदान श्रेयर रामकिशन सिंह पुरस्कार योजना के अंतर्गत पावर स्टेयर पुरस्कार योजना के अंतर्गत मिक्सर ग्राइंडर को प्राप्त करते हुए अनुरोध है शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में बटन दबा करके विभिन्न प्रकार की कृषि से संयोजित योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय कृषि मंत्री माननीय सांसद सदर माननीय सांसद महा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की प्रदेश सरकार के 4 साल के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी विकास खंडों में आयोजित आज मिशन कल्याण किसान कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद गोरखपुर के सरगावा विकास खंड के इस कृषि महाविद्यालय में आयोजित आज के इस किसान मेला कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी माननीय सांसदगण श्री रवि किशन जी श्री कमलेश पासवान जी श्री जयप्रकाश निषाद जी मान्य विधायक गण श्री फतेह बहादुर सिंह जी शीतल पांडे जी महेंद्र पाल सिंह जी विपिन सिंह जी
श्रीमती संगीता यादव जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था से जुड़े के उपाध्यक्ष श्री राधे श्याम सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों, मिशन किसान कल्याण के आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कृषि विभाग को, जिन्होंने आज प्रदेश के अधिकांश विकास खंडों के अंदर किसानों के कल्याण के लिए चल रही केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर के वहां पर वृहद किसान प्रदर्शनी और किसान कल्याण कार्यक्रम के मेलों का आयोजन आज किया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और केंद्र और प्रदेश की सरकार अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, क्योंकि किसान अगर खुशहाल होगा तो गांव खुशहाल होगा, गांव खुशहाल होगा तो गांव के सुशासन का मार्ग देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। और इसलिए सरकार ने पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ केंद्र और प्रदेश सरकारें इस दिशा में कार्य कर रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आजादी के बाद 2014 और उसके उपरांत अन्नदाता किसानों की को ध्यान में रखकर के जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए वह अभूतपूर्व और अभिनंदनीय है। आजादी के बाद पहली बार वास्तव में किसान देश की राजनीति के एजेंडे के हिस्से बने, गांव के विकास के लिए, किसान के उत्थान के लिए, महिला और नौजवानों के हितों के लिए सरकार की नीतियां बननी प्रारंभ हुई और उसका ईमानदारी से क्रियान्वयन का परिणाम है कि आज हर एक क्षेत्र में कुछ नया देखने को मिलता है। भाइयों बहनों, सॉयल हेल्थ कार्ड की स्कीम हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, या लागत का 1.5 गुना MSP किसानों के खातों में देने का हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसान ऋण माफी की योजना, प्रदेश के अंदर MSP के अनुसार क्रय केंद्र स्थापित करके किसानों को MSP का लाभ देने की कार्रवाई हो, वर्षों से लंबित किसान के हित के लिए महत्वपूर्ण और उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कृषि सिंचाई की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य रहा हो, या फिर फसल बीमा योजना को और सरलीकरण करने, या फिर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना को कृषक के परिवार के साथ साथ बटाईदार को भी इसमें शामिल करने का कार्य हो, एक साथ तमाम प्रकार की योजनाओं को सरकार ने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन के लिए ही लागू किया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब हम लोग इस चरगावा में इस कृषि विभाग के द्वारा संचालित इस कृषि महाविद्यालय के प्रांगण में हम सभी एकजुट होकर के इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बन रहे हैं, तो किसानों के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से एक छात्रावास का भी शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर आज कृषि विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। भाइयों बहनों, मंडी के माध्यम से भी किसानों को सीधे मंडी के साथ जोड़ने, किसी किसान के उत्पाद पर मंडी शुल्क नहीं दिया जाता है, लेकिन मंडी अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा
किसान कल्याण के लिए सीधे खर्च करता है, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी, और पैसा किसान कल्याण के कार्य में खर्च होता है, यह प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्ष के अंदर आप सबने देखा होगा। और आज जिन कृषक उत्पादक संगठनों की बात प्रदेश के अंदर चल रही है, मुझे प्रसन्नता है कि 576 कृषि उत्पादक संगठन, कृषक उत्पादक संगठन वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। किसान की आमदनी को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, मैं भी ये पंडाल में घूमते घूमते एक पंडाल में गया था ग्राम अनोला के, उस पंडाल में जहां पर एक किसान के द्वारा 2 बीघा खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है, और स्ट्रॉबेरी की खेती में मात्र 2 बीघा में 6 महीने के अंदर उस किसान ने 6 लाख का नेट प्रॉफिट कमाया है। आप अनुमान कर सकते हैं उनकी लागत आई 2 बीघा में 8 लाख की लागत आई, लेकिन उन्होंने 14 लाख रुपया कमाया। यानी 8 लाख रुपये अगर अपनी लागत को हटा भी दें तो 6 लाख का नेट प्रॉफिट एक किसान को 2 बीघा खेती में मात्र 6 महीने के अंदर होता है। अगर हम कृषक उत्पादक संगठन बना करके गांव में आपस में मिलकर के खेती के इस कार्यक्रम को या किसी भी अन्य कार्यक्रम को करना प्रारंभ करेंगे, उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और मुनाफा हमारा कई गुना बढ़ जाएगा। एक किसान और खेती के क्षेत्र में, खेती बाड़ी के क्षेत्र में प्राप्त होने वाला यह मुनाफा ही किसान की जिंदगी में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगा। और केंद्र और प्रदेश सरकार यही आप सबसे अपेक्षा रखती है और इसके लिए हर प्रकार का मदद आप सबको करना चाहती है। आज जब हम यहाँ पर मिशन किसान कल्याण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, आपने देखा होगा अलग अलग किसानों को शासन केंद्र और प्रदेश सरकार की अलग अलग योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य हो रहा है। कृषि उपकरणों में केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाने वाली छूट का मामला हो, ट्रैक्टर का मामला हो, या फिर किसान परिवारों को सरल ब्याज दर पर आसान किस्तों में दी जाने वाली ऋण की व्यवस्था हो, ये सभी केवल किसान कल्याण के लिए और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए सरकार की एक योजना का हिस्सा है, जिससे अन्नदाता किसान की खुशहाली के माध्यम से हम समाज और राष्ट्र के अंदर खुशहाली पैदा कर सके, यह इसके पीछे का भाव स्पष्ट है। लेकिन आज जब एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है, तब कुछ निहित स्वार्थी तत्व किसान बंधुओं के कंधों पर बंदूक रख करके वह अनावश्यक गुमराह कर किसान भाइयों को गुमराह करके अव्यवस्था अराजकता का वातावरण देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि जो किसानों के कंधों पर बंदूक रखने वाले तत्व किसके सारे पे काम कर रहे हैं, जिनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं, जिन्हें जब सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था उन्होंने किसानों के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया, न मृदा परीक्षण का कार्य किया, न कोई उनके लिए फसल बीमा की सुरक्षा की योजना लाई गई, न कोई किसानों के लिए कृषि सिंचाई की योजना उनके समय में आई थी, न प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उनके समय में आ पाई थी, न किसानों के कर्ज ही माफ हो पाए थे, न एफपीओ की बात उन्होंने की, हर खेत को पानी देने की बात भी कभी नहीं की। लेकिन उस सब के बावजूद वे चंद लोगों के इशारे पर किसान भाइयों के हितों के लिए चलाई जाने इन योजनाओं में कैसे बाधा पैदा की जाए, आज इसके लिए उन्होंने दुष्प्रचार का सहारा लेना प्रारंभ किया है। और ये दुष्प्रचार किस कदर का, कितना झूठ बोलते हैं लोग कि किसान की जमीन हड़प ली जाएगी, कैसे कोई किसान की जमीन को हड़प लेगा। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि कृषि कानून, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है यह एक विकल्प है, यह बाध्यता नहीं। विकल्प इस बात को लेकर के किसान को अगर फसल की गारंटी की सुविधा फसल पैदा होने के पहले मिल जाती है और उसको एमएसपी से ज्यादा लाभ, मार्केट से ज्यादा लाभ अगर कोई देता है
तो किसान को अपनी उपज को देश के अंदर कहीं भी बेचने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और मुनाफा कमाने का अधिकार किसान को होना ही चाहिए, किसान को मुनाफा मिलना ही चाहिए। लेकिन ये लोग किसान को मुनाफा नहीं कमाने देना चाहते। जो इन लोगों की प्रवृत्ति रही है मुनाफा स्वयं कमाएंगे और कर्ज के नीचे किसान को दबाएंगे और वही गुमराह करने वाले तत्व आज किसान बंधों के कंधों पर बंदूक रख करके निशाना साधने का कार्य कर रहे हैं। जहां हम लोग पानी लिए थे देख कितना झूठ बोल रहे हैं लोग कि मंडियां बंद हो जाएंगी। अंदर है वो, अंदर मंडियां बंद नहीं होंगी बल्कि मंडियां एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए खड़ी हो रही है। जो 2020 से अब तक एक भी मंडी नहीं बंद हुई वहीं से तुम्हारे ना, बल्कि जो मंडी चालू है उसको भी हम वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर ई नाम के साथ जोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट में 1000 नई मंडियों को आधुनिकीकरण करने और उन्हें ई नाम से जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। फिर गुमराह करने वाली बातें क्यों हो रही है? ये कहना कि एमएसपी बंद हो जाएगा, हम लोगों ने विगत वर्ष किसान बंधुओं का 56 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किसानों से सीधे किया था और इस वर्ष कृषि अधिनियम लागू होने के बाद एमएसपी पर किसान से 68 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किया गया। इसमें कहीं भी कोई मंडी न बंद हुई ना एमएसपी समाप्त हुई। जिन किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट खेती की थी या करवाई थी किसी के खेत पर भी किसी व्यक्ति ने कब्जा नहीं किया। किसान ही अपनी जमीन का मालिक है, सरकार को एक सुविधा दे रही है। एक किसान जिस खेती को करता है अगर दुर्भाग्य से किसी आपदा की चपेट में किसान आ गया तो राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसान, किसान के परिवार के कमाऊ सदस्य या बटाईदार को 5 लाख रुपए की बीमा कवर देने का कार्य किया है जिससे किसान भाइयों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया जा सके। ये कार्यक्रम इसलिए आगे बढ़ाए गए हैं लेकिन गुमराह करने वाले तत्व लगातार पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने भाइयों बहनों सत्ता के साथ मिलकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश की आजीविका का आधार और किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के जो माध्यम थे यहां की चीनी मिलों को बंद करने का कार्य किया। कभी गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर चीनी उत्पादन की 42 चीनी मिलें यहां पर चलती थी, आज मुश्किल से 10 से 11 चीनी मिलें चल पा रही है। और ये तब जब राज्य सरकार ने पिपराइज में बंद हो चुके गोरखपुर में किसी समय 3-3 चीनी मिलें थी। एक समय ऐसा आया जब सपा बसपा के कार्यकाल में सभी तीनों चीनी मिलें बंद हो गई, एक भी चीनी मिल गोरखपुर में नहीं चल रही थी। लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद पिपराइच में एक नई चीनी मिल का निर्माण किया और चीनी मिल आज वहां पर गन्ना की पेराई का कार्य सफलतापूर्वक कर रही है, किसान को उनकी उपज का लाभ देने का कार्य कर रही है। देवरिया में, कुशीनगर में, महाराजगंज में ज्यादातर चीनी मिलें बंद कर दी गई या बेच दी गई। 2017 में जब हमारी सरकार आई थी तब हजारों करोड़ रुपया गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पूरे हुए हैं 1,27,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे गन्ना किसानों के खाते में करने का कार्य सरकार ने किया है। खाद्यान्न क्रय करके धान है, गेहूं है, मकई है, दलहन है, तिलहन है, रिकॉर्ड उत्पादन करवाने के साथ ही उसके प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और एमएसपी का लाभ किसान के खाते में देने का कार्य किया। 66,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसान के खाद्यान्न का किसान के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से दे करके किसान के जीवन में खुशहाली लाने का काम भी सरकार ने किया। और भाइयों बहनों 2 करोड़
40 लाख किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 27,000 करोड़ रुपए भी सीधे उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के खातों में ही यह पैसा देने का कार्य केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के किया है। एक तरफ जहां किसानों के हितों के लिए नई नई योजनाएं बन रही है, हमारे कृषि मंत्री जी भी कह रहे थे जब हम लोग 2017 में आए थे किसान कर्ज तले दबा हुआ था, कोई उसका प्रोत्साहन नहीं था, आत्महत्याएं हो रही थी और दूसरी तरफ शासन की किसी भी योजना का लाभ उसे नहीं मिल पाता था ना। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है हमारी सरकार ने 4 वर्ष के अंदर लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य किया है। 9 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, 11 परियोजनाएं इस वित्तीय वर्ष में पूरी होगी और वित्तीय वर्ष की 11 परियोजनाओं का पूरा होते ही हम लोग भाइयों बहनों प्रदेश के अंदर 20 लाख हेक्टेयर से भी भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा देने जा रहे हैं। अगर हम इन्हीं सभी क्षेत्रों में ड्रिप इरिगेशन की तकनीक को अपना लेंगे तो यही क्षमता हमारी 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी किसान के जीवन में परिवर्तन और उसकी आमदनी को ज्यादा बढ़ाने के लिए लागत कम करना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए सिंचाई की अच्छी सुविधा चाहिए, अच्छी तकनीक चाहिए। अच्छी तकनीक के लिए हर जिले में कम से कम 1 कृषि विज्ञान केंद्र, जो बड़े जिले हैं वहां 2 कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं और शेष जनपदों में 1 कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों को तकनीक के साथ और मार्केट के साथ जोड़ने का कार्य करेगा। ये एफपीओस के पीछे का उद्देश्य भी यही है, ये बैंकों के साथ जोड़ने, मार्केट के साथ जोड़ने, तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य किसान बंधुओं को करके उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में अपना योगदान देगा और किसान ज्यादा मुनाफा कमा पाएगा। इसके पीछे का यही भाव सरकार का है, लेकिन फिर भी लोग गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि केंद्र प्रदेश सरकार की नीतियों के साथ हम मिलकर के आज किसान भाइयों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य करें। आज केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 6-7 वर्षों के दौरान किसानों के हितों के लिए जो कार्यक्रम चले हैं यह अभूतपूर्व और अभिनंदनीय है। हर एक तबके ने इसका स्वागत किया है, हर एक तबका और किसान भी इस बात को महसूस करता है कि किसानों के हित के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम ही नहीं हुआ। और आज तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने यह भी तय किया है कि जो भी किसान भाई होगा अगर वह आपदा के लिए उसको गारंटी की सुविधा दी गई, लेकिन ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई किसान भाई, कोई किसान बंधु अगर आयुष्मान भारत से आच्छादित नहीं हो पाया है तो प्रदेश सरकार उसे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी देगी। यानी किसान प्रदेश में नहीं, प्रदेश के बाहर जहां कहीं जाएगा वहां पर उस किसान को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। हाँ। ये बहुत बड़ी सुरक्षा है सरकार के द्वारा, सामाजिक सुरक्षा, हाँ तो स्वास्थ्य की सुरक्षा, खेती की सुरक्षा, खेती को आधुनिकीकरण के साथ जोड़ने, बीज से लेकर बाजार तक एक व्यवस्था बनाने में आज जब सरकार आप सबको योगदान कर रही है, उन स्थितियों में हमें कृषक उत्पादक संगठनों के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेरा आग्रह होगा कृषि विभाग के सभी अधिकारियों से, अपर मुख्य सचिव कृषि भी यहां पर आज मौजूद है, कृषि विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं, हर एक विकास खंड के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत हमें वहां पर उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहिए जहां पर किसान के उत्पाद को स्टोरेज की सुविधा उसके विकास खंड स्तर पर ही प्राप्त हो सके, उसके गांव स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, विकास खंड स्तर पर मिल सके और जब मार्केट का दाम अच्छा हो
उस समय किसान मार्केट में ले जाकर के अपने उत्पाद को बेच सके, इस प्रकार की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। किसान अधिक से अधिक मुनाफा इसी के माध्यम से कमा पाएगा। आज के इस अवसर पर मिशन किसान कल्याण के इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री और प्रमुख सचिव कृषि के द्वारा किसानों के हितों के लिए प्रदेश के अंदर की जा रही विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर के अभियान विकास खंड स्तर पर सरकार के सफलता पूर्वक 4 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए कृषि विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी किसान बंधुओं को हृदय से आज के इस अवसर पर आपका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं, आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। होली की अग्रिम शुभकामनाएं आपको और आपके परिवारजनों के प्रति व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ये कार्यक्रम है आज